दोस्तों, सौरमंडल में एक ऐसा ग्रह जिसके अंदर अनेक अद्भुत रहस्य हैं। जो सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है, इसके तल की आभा रक्तिम है, जिस वजह से इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सौरमंडल में ग्रह दो तरह के होते हैं, स्थली ग्रह और गैसीय ग्रह। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थली धरातल वाला ग्रह है। इसका वातावरण विरल है। इसकी सतह देखने पर चंद्रमा के गर्द और पृथ्वी के ज्वालामुखियों, घाटियों, रेगिस्तान और ध्रुवी बर्फीली चोटियों को याद दिलाती हैं। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स मंगल पर ही स्थित है। अपनी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है। इस ग्रह पर जीवन होने की संभावना को हमेशा से परिकल्पित किया गया है। 1965 में मेरिनर 4 के द्वारा की गई पहली मंगल उड़ान से पहले तक यह माना जाता था कि ग्रह की सतह पर तरल अवस्था में जल हो सकता है। यह हल्के और गहरे रंग के धब्बों की आवर्तक सूचनाओं पर आधारित था, विशेष तौर पर ध्रुवीय अक्षांशों जो लंबे होने पर समुद्र और महाद्वीपों की तरह दिखते हैं। फिर भी सौरमंडल के सभी ग्रहों में पृथ्वी के अलावा मंगल को जीवन विस्तार का महत्वपूर्ण विकल्प माना जाता है। वर्तमान में मंगल ग्रह की परिक्रमा 3 कार्यशील अंतरिक्ष यान मार्स ओडिसी, मार्स एक्सप्रेस और टोई मार्स ऑर्बिटर हैं। यह सौरमंडल में पृथ्वी को छोड़कर किसी भी अन्य ग्रह से अधिक हैं। मंगल पे 2 अन्वेषण रोवर्स और लैंडर पूर्ववर्ती अभियानों द्वारा जुटाए गए भूवैज्ञानिक सबूत इस ओर इंगित करते हैं कि कभी मंगल ग्रह पर बड़े पैमाने पर पानी की उपस्थिति थी। साथ ही उन्होंने ये संकेत भी दिए हैं कि हाल के वर्षों में छोटे गर्म पानी के फवारे यहाँ फूटे हैं। नासा के मार्स ग्लोबल सर्वेयर की खोजों द्वारा इस बात के प्रमाण मिले हैं कि दक्षिणी ध्रुवी बर्फीली चोटियाँ घट रही हैं। नासा ने 2020 में परसेवरेस रोवर मंगल पर भेजा था, जिसके साथ इनसाइड लघु वायु विमान के प्रथम पर ग्रही उड़ान के लिए तत्पर थी। इसके शुरुआती 2021 में मंगल पर पहुंचने की संभावना थी। मंगल के 2 चंद्रमा फाबोस और डीमोज हैं, जो छोटे और अनियमित आकार के हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह 5261 यूरेका के समान क्षुद्र ग्रह हैं, जो मंगल के गुरुत्व के कारण फंस गए होंगे। मंगल को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इसका आभासी परिणाम -2.9 तक पहुंच जाता है और यह चमक सिर्फ शुक्र, चंद्रमा और सूर्य के द्वारा ही पार की जा सकती है। यद्यपि अधिकांश समय बृहस्पति मंगल की तुलना में नंगी आंखों को अधिक उज्ज्वल दिखाई देता है। तो दोस्तों, यह बात आपको हैरान कर देगी कि मंगल पृथ्वी के व्यास का लगभग आधा है। यह पृथ्वी से कम घना है। इसके पास पृथ्वी का 15% आयतन और 11% द्रव्यमान। इसका सतही क्षेत्रफल पृथ्वी की कुल शुष्क भूमि से केवल थोड़ा सा कम है। हालांकि मंगल बुध से बड़ा है और अधिक भारी है, पर बुध की सघनता ज्यादा है। फलस्वरूप दोनों ग्रहों का सतही गुरुत्वीय खिंचाव लगभग एक समान है। दोस्तों, वैज्ञानिक ने मंगल का भू निष्कर्ष निकाला है कि मंगल एक स्थलीय ग्रह है, जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन युक्त खनिज धातु और अन्य तत्वों को शामिल करता है, जो आमतौर पर ऊपरी चट्टान बनाते हैं। मंगल ग्रह की सतह मुख्यतः थूलेइटिक बेसाल्ट की बनी है। हालांकि यह हिस्से प्रारूप बेसाल्ट से अधिक सिलिका संपन्न है और पृथ्वी पर मौजूद एंडेसिटिक चट्टानों या सिलिका ग्लास के समान हो सकते हैं, और अधिकतर सतह लौह ऑक्साइड धूल के बारीक कणों द्वारा गहराई तक ढकी हुई है। कोर एक सिलिकेट मेटल से घिरा हुआ है, जिसने ग्रह पर कई विवर्तनिक और ज्वालामुखी आकृति को रचा है, लेकिन अब निष्क्रिय हो गया है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन के अलावा मंगल के परपर्टी में बहुतायत में पाए जाने वाले तत्व लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और पोटेशियम हैं। 125 किलोमीटर की अधिकतम मोटाई के साथ ग्रह के परपट्टी की औसत मोटाई लगभग 50 किलोमीटर है। दोनों ग्रहों के आकार के सापेक्ष पृथ्वी परपट्टी का औसत 40 किलोमीटर है, जो मंगल परपट्टी की मोटाई का केवल 1/3 है। यद्यपि मंगल ग्रह का वर्तमान ढांचागत वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र के कोई सबूत नहीं है,
एक सिद्धांत 1999 में प्रकाशित हुआ और अक्टूबर 2005 में फिर से मार्स ग्लोबल सर्वेयर की मदद के साथ जांचा गया कि यह पट्टियां 4 अरब वर्षों पहले के मंगल ग्रह के प्लेट विवर्तन प्रदर्शित करती हैं। इससे पहले ग्रहित चुंबकीय तंत्र ने कार्य करना बंद कर दिया और इस ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र मुरझा गया। सौर प्रणाली निर्माण के दौरान मंगल की रचना एक प्रसन्न भाव्य प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुई है। ग्रहों के गठन के बाद सभी भीषण बमबारी के अधीन रहे थे। मंगल का लगभग 60% सतह उस युग से आघातों का एक रिकॉर्ड दर्शाता है, जबकि शेष सतह का ज्यादातर हिस्सा शायद उन घटनाओं की वजह से बनी अत्याघात घाटियों द्वारा नीचे कर दिया गया है। मंगल के उत्तरी गोलार्ध में एक भारी संघात घाटी का प्रमाण है जो 10,600 × 8,500 में फैली है। यह सिद्धांत सुझाव देता है कि लगभग 4 अरब वर्ष पहले मंगल ग्रह प्लूटो आकार के पिंड द्वारा मारा गया था। यह घटना मंगल का अर्ध गोलार्ध विरोधाभास का कारण मानी जाती है, जिसने सपाट बोरेलिस घाटी रची जो कि ग्रह का 40% हिस्सा समाविष्ट करती है। मंगल ग्रह के भूवैज्ञानिक इतिहास को कई अवधियों में विभाजित किया गया है। मंगल ग्रह की यह चट्टान मार्स साइंस लेबोरेटरी के लिए अपना नीला भूरा आंतरिक ढांचा उजागर करता है। कुछ भूवैज्ञानिक गतिविधि अभी भी मंगल पर जारी हैं। अथाबास्का बैलेस लावा प्रवाहों के लिए लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व तक का बसेरा है। 19 फरवरी 2008 की मंगल टोई परिक्रमा यान की तस्वीरें 700 मीटर ऊंची चट्टान से एक हिम संकलन का प्रमाण दर्शाती हैं। दोस्तों, मंगल ग्रह की मिट्टी कैसी है? फीनिक्स लैंडर के वापसी आंकड़े मंगल की मिट्टी को थोड़ा क्षारीय होना दर्शा रहे हैं तथा मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड जैसे तत्वों को शामिल करती हैं। यह पोषक तत्व पृथ्वी पर हरियाली में पाए जाते हैं एवं पौधों के विकास के लिए आवश्यक हैं। दोस्तों, मंगल ग्रह में क्या अजीब है? यह धरती मंगल ग्रह भर में आम है एवं माधो घाटियों और क्रेटरों की खाड़ी ढलानों पर अनेक नए अक्षर दिखाई देती हैं। कई स्पष्टीकरण सामने रख दिए गए जिनमें से कुछ पानी या जीवों की वृद्धि भी शामिल करते हैं। दोस्तों, मंगल ग्रह पर जल कैसा है? अपॉर्चुनिटी रोवर द्वारा ली गई एक सूक्ष्मदर्शी तस्वीर तरल जल के पूर्व मौजूदगी के संकेत युक्त एक धूसर हेमेटाइट पथरी दिखा रही है। निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण मंगल ग्रह की सतह पर तरल जल मौजूद नहीं है। निम्न उच्चतांशों पर अल्पकाल के अलावा 2 ध्रुवी पर फैली चोटियाँ मोटे तौर पर जल से बनी हुई नजर आती है। दक्षिण ध्रुवी पर फैली चोटी में जल बर्फ की मात्रा अगर पिघल जाए तो इतना पर्याप्त है कि समूची ग्रही सतह को 11 मीटर गहरे तक ढक देगा। जली बर्फ की विशाल मात्रा मंगल के मोटे क्रोसफेयर के नीचे फंसी हुई होना मानी गई है। 31 जुलाई 2008 को फीनिक्स लैंडर ने मंगल की उतली मिट्टी में जली बर्फ की सीधी जांच की। मंगल की दृश्य भूरचनाएं दृढ़ता से दर्शाती हैं कि इस ग्रह की सतह पर कम से कम किसी समय तरल जल विद्यमान रहा है। नासा के खोजों द्वारा पाया गया कि मंगल ग्रह पर पानी पाया जाता है। 2008 में अनुसंधान ने 1980 की अवधारणा में प्रस्तावित एक सिद्धांत के 4 अरब वर्ष पहले चंद्रमा के आकार के 1/2 से 2/3 की एक चीज ने मंगल ग्रह के उत्तरी गोलार्ध को दे मारा था। इसने मंगल के उत्तरी गोलार्ध को बनाया होगा। यह स्थल एक आघात से बना 10,600 किलोमीटर लंबा और 8,500 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा है जो मोटे तौर पर यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त क्षेत्रफल जितना है। आश्चर्यजनक रूप से दक्षिण ध्रुव एटकेन घाटी आघात गड्ढे के रूप में सौरमंडल में सबसे बड़ी है। मंगल ग्रह पर हेलास आघात घाटी एक फीकी धवल आकृति जो पृथ्वी से नजर आती है। मंगल के अपेक्षाकृत छोटे द्रव्यमान के कारण इस ग्रह के साथ किसी वस्तु के टकराने की संभावना पृथ्वी की तुलना में आधी है जो कि बृहस्पति की कक्षा के भीतर मौजूद है। इन सब के बावजूद मंगल पर अब तक चंद्रमा की तुलना में कम गड्ढे हैं।
क्योंकि मंगल का वायुमंडल छोटे उल्काओं के प्रहार के खिलाफ ग्रह को संरक्षण प्रदान करता है। कुछ गड्ढों के आकार की ऐसी है कि वह उल्का प्रहारों हो जाने के बाद जमीन में नमी होने का सुझाव देती है। दोस्तों, मंगल ग्रह पर वायुमंडल कैसा है? निम्न कक्षा छवि में मंगल का कमजोर वातावरण क्षितिज पर दिखाई पड़ रहा है। मंगल ने अपना मैग्नेटोस्फीयर 4 अरब वर्ष पहले खो दिया, इसलिए सौर मंडल के आयन मंडल के साथ सीधे संपर्क करती है, जिससे ऊपरी परत के परमाणुओं के बिखर कर दूर होने से वायुमंडलीय सघनता कम हो रही है। मार्स ग्लोबल सर्वेयर और मार्स एक्सप्रेस दोनों ने इस आयनित वायुमंडल कणों का पता लगाया है जो अंतरिक्ष में मंगल के पीछे फैल रहे हैं। पृथ्वी की तुलना में मंगल ग्रह का वातावरण काफी विरल है। अपने सबसे मोटाई पर मंगल का सतही दबाव पृथ्वी की सतह से 35 किलोमीटर ऊपर पाए जाने वाले दबाव के बराबर है। यह पृथ्वी के सतही दबाव से 1% कम है। वायुमंडल का स्केल हाइट लगभग 10.8 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी पर 6 किलोमीटर ऊंचा है, क्योंकि मंगल का सतही गुरुत्व पृथ्वी के सतही गुरुत्व से केवल 38% है। इस प्रभाव की भरपाई मंगल के वातावरण के 50% से अधिक औसत आणविक भार और कम तापमान द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, मंगल ग्रह के वायुमंडल में गैसों की मात्रा देखकर आप हैरान हो जाएंगे। मंगल ग्रह का वायुमंडल 95% CO2, 3% नाइट्रोजन, 1.6% आर्गन से बना है और ऑक्सीजन और पानी के निशान शामिल हैं। वातावरण काफी धूल युक्त है, जो मंगल के आसमान को एक गहरा पीला रंग देता है, जैसा सतह से देखा गया है। दोस्तों, मंगल ग्रह की जलवायु हबल अंतरिक्ष दूरदर्शी 28 अक्टूबर 2005 में देखने पर सौर मंडल के सभी ग्रहों में समान घूर्णन अक्ष झुकाव के कारण मंगल और पृथ्वी पर ऋतुएं ज्यादातर एक जैसी हैं। मंगल के ऋतुओं की लंबाई पृथ्वी के अपेक्षा लगभग दोगुनी है। यह सूर्य से अपेक्षाकृत अधिक से अधिक दूर होने से मंगल एक वर्ष लगभग 2 पृथ्वी वर्ष लंबाई जितने आगे है। व्यापक तापमान विस्तार, निम्न वायुमंडलीय दाब, निम्न तापीय जड़त्व और पतले वायुमंडल, यह ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य से 152 गुना अधिक दूर भी स्थित है, जिससे कि 43% सूर्य का प्रकाश मंगल ग्रह पर पहुंच पाता है। यदि मंगल ग्रह की एक पृथ्वी सदृश कक्षा थी तो उसके ऋतुएं भी पृथ्वी सदृश रही होंगी, क्योंकि दोनों ग्रहों का अक्ष झुकाव लगभग समान है। मंगल ग्रह पर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा धूल तूफान है। यह विविधता के लिए हो सकता है छोटे हिस्से से लेकर इतना विशाल तूफान ग्रह को ढक दे। मंगल ग्रह पर पृथ्वी की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण कम है, इसे 1/6 मानी जाती है।